Hey guys and what's up everybody, it's the Waste Packet again with another video. So आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे SOL कैंपस से अब डिग्री कब मिलेंगी। तो देखो, डिग्री मिलना स्टार्ट हो चुकी है। जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जिन बच्चों ने इस बार BCOM से BA से BA ऑनर्स से अपनी ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट कर लिया है और बैचलर डिग्री पूरे 6 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है, तो उनको डिग्री मिलना स्टार्ट हो चुकी है। डिग्री कैसे मिलेगी वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो, डिग्री एक तो मिलती है बाई पोस्ट और एक मिलती है कैंपस में जाकर। तो किन स्टूडेंट्स को कैंपस जाना पड़ेगा और किन स्टूडेंट्स को घर पे बैठे बैठे डिग्री मिल जाएगी, वही आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने 2019 में एडमिशन लिया था, जो अब पास आउट हो गए हैं, ठीक है। 2019 वाले जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को डिग्री लेने के लिए भाई कैंपस जाना पड़ेगा। कौन से कैंपस में? नॉर्थ कैंपस में। दोबारा बता दूँ, जिन बच्चों ने 2019 में एडमिशन लिया था, ठीक है, उन स्टूडेंट्स की डिग्री लेने के लिए उन लोगों को नॉर्थ कैंपस विजिट करना पड़ेगा और वहाँ पे जाकर ही आपको अपनी डिग्री मिलेगी। डिग्री मिलेगी जो, वो तो ठीक है, अब उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लेके जाने हैं। तो सबसे पहले आपको लेके जाना है अपनी मार्कशीट, जो आपकी मार्कशीट आई है लेटेस्ट वाली, उसके साथ साथ आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, पैन कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है और अपना स्कूल का आईडी कार्ड जो होता है आपका, ठीक है, छोटा सा होता है। आपको आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें, पांचों चीज़ें लेके जानी है और एक पेन ले जाना, ठीक है, वहाँ पे साइन वगैरह करने के लिए। ये सारी चीज़ें लेके आपको कैंपस जाना है नॉर्थ कैंपस। अपनी डिग्री आपको तभी मिलेगी, तभी आप डिग्री अपनी ले पाओगे। ये तो था 2019 के लिए। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने 2020 में डिग्री 20 में अपनी ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट करी है या करेंगे, या फिर 2021 में करी है या फिर 21 में करेंगे, ठीक है, तो इन स्टूडेंट्स के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो, 2020 और 2019 वालों के लिए क्या था, उनको जाके लेनी थी, मगर 2020 और 21 वालों के लिए पैटर्न चेंज कर दिया। 2020 के बाद से डिग्री SOL ड्यू बाई पोस्ट आपके घर पे पहुंचाता है। तो आपने जो एड्रेस वगैरह दे रखा होगा, आपके हॉल टिकट एग्जाम, हॉल टिकट होता है जो, उसमें लिखा ही रहता है, तो वहां पर आपको पोस्टमैन आके बाई पोस्ट आपको डिग्री मिलेगी, ठीक है। बाई पोस्ट डिग्री कैसे मिलेगी उसके ऊपर भी वीडियो बना रखे। तो देखो, बाई पोस्ट डिग्री कैसे मिलेगी मैंने वो तो बता दिया। अब पोस्टमैन जो है वो डिग्री लेके आपके आपके घर तक आएगा, आपके एरिया लोकेशन तक आएगा। अगर आप रेंट पे रहते हो, आपने वो कमरा खाली कर दिया, आपने कोई पुराना एड्रेस दे रखा था, तो इस केस में क्या होगा, आपकी डिग्री को वापस चली जाएगी SOL ड्यू, आपके जो कैंपस है वहाँ पर चली जाएगी। फिर आपको पोस्टमैन के पास जाना पड़ेगा, पोस्टमैन को पूछना पड़ेगा कि आपके नाम से कोई डिग्री आई है नहीं आई है। तो भाई, इस चीज़ के लिए आपने अगर एड्रेस सही दे रखा है तो ठीक है, वरना आपको कैंपस जाके बार बार विजिट चक्कर लगाने पड़ेंगे थोड़े, और आपकी जो डिग्री है वो बाई पोस्ट ही आप लोगों घर पे पहुंच जाएगी। तो देखो, इस तरह से डिग्री का पैटर्न रहने वाला है। 2019 की डिग्री आपको जाके लेनी पड़ेगी, 2020-21 की जो है वो सारी बाई पोस्ट डिग्री आएंगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब डिग्री के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकता है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। सी यू टाटा एंड बाय बाय। अगर किसी को टेलीग्राम इंस्टाग्राम लिंक चाहिए तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही। सी यू टाटा एंड बाय बाय।